सवेरे सवेरे पूरी, छोले, दही, अचार, चटनी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे आज के ब्लॉग में, और मैं हूं सैम, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं विजय ब्रोस। तो गाइस, हम कल रात लगभग 100 किलोमीटर का ड्राइव करने के बाद रुके हैं लम्ही नामक एक जगह है। काठगोदाम से पहले पड़ती है ना, सॉरी यार। लम्ही नामक एक जगह है, काठमांडू से लगभग 400 किलोमीटर पहले पड़ती है। तो हमने आज दिन में लगभग 400 किलोमीटर का ड्राइव करना है। वो ड्राइव करने के बाद हम काठमांडू पहुंचेंगे, लेकिन देखते हैं आज ही पहुंच पाते नहीं पहुंच पाते। तो कल रात हम इस होटल पर रुके थे, और आज का ब्लॉग हम करते हैं यहाँ से शुरू। एक बार मैं आपको रूम टूर देता हूँ। देखिए, ये हमारा रूम है, ये खिड़की है, ये बेड है, और यहाँ से देखिए सामने से ये है नज़ारा लम्ही का, नेपाल। तो हमने एक रूम ये लिया था क्योंकि पांच लोगों के लिए दो साथ पे एक बड़ा रूम नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे। तो एक रूम ये लिया हमने, और एक रूम लिया है इधर, जहाँ हमारे तीन महारथी सो रहे हैं अभी भी, ये उठे नहीं है, ये लगे हैं फोन पे। दीपू भाई को आ रही नींद अभी भी, थापा जी भी फोन पे कुछ व्यस्त हैं। तो ये हमारा दूसरा रूम था। अब हम लगभग आधे घंटे के अंदर सब फ्रेश होकर नहा धोके नाश्ता करके निकलेंगे हम काठमांडू की तरफ। तो अभी पहुंचने में समय है, बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए बंजारे ब्रोस, और आगे का ब्लॉग और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब तक के लिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो ये रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम रुके थे, होटल, और नाश्ता हमने मंगवा लिया है। देखिए नाश्ता आ गया है हमारा, मस्त बिल्कुल, सवेरे सवेरे पूरी, छोले, दही, अचार, चटनी। गाइज, आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट हम अब निकल रहे हैं काठमांडू की तरफ। समय हो गया है आपका 8:10, थोड़ा लेट हो गई हमें जाने में। तो अब बिना किसी देर के सीधा निकलते हैं काठमांडू की तरफ, और म्यूजिक करते हैं थोड़ा लाउड। हार हो चुके रेडी, और हम भी हुए हैं निकलने के लिए रेडी, और चलते हैं। यहाँ से 357 किलोमीटर और है काठमांडू। हम एक चौक क्रॉस कर रहे हैं, जाना चलो। कौन सी चौक है बता दें? एक कन्फर्मेशन के लिए एक चौक पूछ रहे हैं, वो वहाँ पूछ गए बैरियर में।
कपिलवस्तु। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं लम्हाई से कपिलवस्तु। कपिलवस्तु नामक शहर जो है नेपाल का, यहाँ से फिर काठमांडू में आ गए। लेकिन टारगेट हमारा सिर्फ काठमांडू है, सिर्फ काठमांडू। पशुपतिनाथ और बीच को हमको कुछ ना। तो दोस्तों कपिल वस्तु से थोड़ा सा आगे आके हम एक मैदान के पास रुके हैं। हमें बहुत प्यारा सा मैदान दिखा तो हमने सोचा थोड़ा फोटोज वगैरह क्लिक की जाए। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ बस जाते हैं। एक वो हमारे भाई साहब पागल हो गए हो, वो ऑल्टो को ऐसे दौड़ा रहे हैं, क्या बताऊँ। चीज तो यही हुई यार। ना गर्मी में जलेबी खाएगा।